देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखेंगे। 10 सेमी त्रिज्या, 500 फेरों और 2 ओम प्रतिरोध की एक वृत्ताकार कुंडली को इसके तल के लंबवत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षितिज घटक में रखा गया है। इसे एक बार समझ लीजिए कि हमें यहाँ पर इस वृत्ताकार कुंडली की रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। इसके साथ में इसमें फेरों की संख्या हमें दे रखी है 500, जबकि इसका खुद का जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 2 ओम। और पृथ्वी के इसका जो तल है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। तो देखिए, प्रारंभिक स्थिति के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो B है वो और इसका क्षेत्रफल सदिश है दोनों एक ही दिशा में। दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पर 0 डिग्री होगा। और फिर देखो क्या कहा गया है कि इसे अपने ऊर्ध्व व्यास के प्रीतः 0.25 सेकेंड में 180 डिग्री से घुमाया गया। तो इसे हमने क्या किया है, समय ले लिया, अल्प समय है 0.25 सेकेंड, और यहाँ से 180 डिग्री कोण पर घुमा दिया। तो 180 डिग्री के कोण पर घुमाने पर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाता है। क्लियर? देखिए, हमें क्या कहा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और विद्युत धारा का आकलन कीजिए, और दिए गए स्थान पर पृथ्वी के चुंबक के क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है वो 3×10⁻⁵ दे रखा है। देखिए, यहां पर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर जानते हैं माइनस में एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास में आ गया। यहां से फाई वन और फाई टू की वैल्यू देख लेते हैं। फाई वन बराबर देखिए बी ए कोस थीटा, और यहाँ पर जो B की वैल्यू है वो है 3×10⁻¹। A का मान निकाल लेते हैं, कुंडली का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वेयर। तो पाई आर का जो मान है वो 0.1, 0.1 का स्क्वेयर करेंगे तो 10⁻², तो गुणा में पाई × 10⁻²। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में देखिए फाई वन की जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आ रही है, 3π×10⁻⁷ वेबर। फिर हम बात करेंगे फाई टू की, तो देखिए फाई टू में बी ए सेम रहेगा, कोस थीटा, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो 180 हो जाएगी। तो 180 का मान होता है -1, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी और कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, माइनस में 3π×10⁻⁷ वेबर। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें तो E बराबर देखिए हमारे पास में है माइनस में n, यहाँ इस फॉर्मूले में हम पुट कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो n का जो मान है वो है 500, फाई टू तो माइनस में 3π×10⁻⁷, फिर माइनस फाई वन, फाई वन का जो मान है वो है 3π×10⁻⁷, फिर बट्टे में डेल्टा टी, डेल्टा टी का मान हमें दे रखा है 0.25। अब यहाँ से जो ब्रैकेट वाली राशि वो माइनस में आएगी, डबल हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 500×2 दुगुनी हो गई है, 3π×10⁻⁷, फिर यहां से 0.25 पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर लगा देंगे, तो ये हमारे पास में आ गया 4। अब देखिए 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 2003 जीरो यहां से निकल गए, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 12π×10⁻⁴ वोल्ट हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी।
अब यदि मैं यहाँ पर आई की बात करूँ तो ई बट्टे में आर, ई का मान 12 पाई गुणा 10 की घात -4, आर का जो मान है वो है 2, तो ये आ गया 6 पाई गुणा 10 की घात -4 एम्पियर। तो ये था अपना तीसरा एग्जाम्पल। ओके।